सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर आई के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। चाइना की उधेड़बुन के बाद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। वैसे काफी सारे कमेंट मेरे पास में पहले भी आ चुके हैं जो अब चाइना के फोन लेना नहीं चाहते, और कुछ के पास में ऑप्शन नहीं है तो उनकी मजबूरी है। बाकी नोकिया से थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन नोकिया के फोन्स अब आएंगे, कब आएंगे, तब आएंगे, काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता है। नोकिया अपने फोन्स की लॉन्चिंग में काफी डिले कर देता है, ऐसा कि हमें पहले भी देखने को मिला नोकिया 8, नोकिया 6 के बारे में। खैर, इन सब के बावजूद नोकिया ने मन बना लिया है अपना एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए जो कि बजट स्मार्टफोन होगा, जिसकी कीमत 10,000 रुपए के आसपास रखी जाएगी। तो देख लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन किस तरह से हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये मॉडल कौन सा होगा। यह नोकिया का D1C का मॉडल होगा, जो कि उम्मीद जताई जा रही है कि दो वेरिएंट में लॉन्च होगा, 16GB और 32GB वाले वेरिएंट में, और जिसकी रेम तो आप समझ ही गए होंगे 2GB और 3GB के आसपास में। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो पहला वेरिएंट होगा 5 इंच के डिस्प्ले में, और जिसमें कि दूसरा वेरिएंट होगा 5.5 इंच के डिस्प्ले के साथ में, जो कि फुल HD सपोर्ट करेगा। और अगर कैमरा की बात करें तो 16MP और 13MP रियर कैमरा के साथ में दोनों फोन लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें कि बेस मॉडल में फ्रंट फेसिंग कैमरा होने वाला है 8MP का। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की और प्रोसेसर की। सबसे पहले तो एंड्रॉइड के नॉगट 7.0 का OS होगा, जिसमें कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट होगा। कैमरा के साथ में आपको मिल जाती है LED फ्लैश लाइट, और ड्यूल सिम होगा, 4G सपोर्टेबल होगा, और मेमोरी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है microSD कार्ड के साथ में। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। रूमर की माने तो 2800mAh की बैटरी होने वाली है, जो कि मुझे थोड़ा सा लूज पॉइंट लगता है, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि ये क्विक चार्जिंग सपोर्ट करेगा। कंपनी क्लेम करती है कि 60% की चार्जिंग आपको 30 मिनट में कर दे देगा, तो खासा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर 2800mAh की बैटरी है तो बहुत जल्दी चार्ज भी होगा, और बाकी तो फोन लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगा। उम्मीद जताई जा रही है फोन सितंबर के एंड में या अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगा, बाकी उम्मीद ही जताई जा रही है। नोकिया के लिए कोई भी श्योरिटी नहीं है कि एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है इसकी लॉन्चिंग की, बाकी देखते हैं लॉन्च होने के बाद में इसे यूज करके कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और जैसे ही ये फोन लॉन्च होगा मैं इसका अपडेट आपको दे दूंगा। दोस्तों मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आप चाइनीज फोन को सपोर्ट करते हैं, और अगर नहीं तो आपके पास में ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो आप फोन लेना चाहोगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर तरह की टेक रिलेटेड जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।